हम लोग पढ़ रहे थे क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल सिस्टम। यानी बाइफिनाइल क्या होता है कि दो फिनाइल ग्रुप एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो उसमें हम आइसोमेरिज्म कैसे, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे आज। ठीक, तो हेडिंग क्या पड़ेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल बाइफिनाइल कंपाउंड्स कर लो, ठीक है। बाइफिनाइल कंपाउंड्स में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो यहाँ पे कि होता क्या है बाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल की अगर बात करोगे तो ये दो फिनाइल रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हो सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं बाइफिनाइल, ठीक है बेटा। अब इस बाइफिनाइल को देखो तो देखने से ही लग रहा है कि क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। यानी अगर इस सिंपल बाइफिनाइल की बात करोगे, अगर इस पर कोई सब्सिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। देखो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल को, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, और इसका मिरर इमेज क्या होगा, सुपर इम्पोज करेगा, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है इस फॉर्म में है। तो जितने भी बाइफिनाइल सिस्टम है अगर इस फॉर्म में है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बट अगर हम इसको ऑप्टिकल एक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कि ये बाइफिनाइल है, ये क्या है बेटा, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, ठीक है। ये बाइफिनाइल सिस्टम ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो यहां पे लिखोगे इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण देखो, अगर इस प्लेन से तुम डिवाइड करते हो तो इक्वल हाफ में क्या हो रहा है, डिवाइड होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है इसमें, यानी कि अगर हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखो बेटा यहां पे दिस मॉलिक्यूल ये है, ठीक, ये है, ठीक है, यही चीज है यहां पे। इसका अगर नेमिंग करोगे तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फाइव पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन, ये 1 to 6 हुआ। अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो ये सिमेट्रिकल ही है, तो इसके लिए हमने 1', ये 2', ये 3', 4', 5' एंड 6', ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका नंबरिंग हमने किया दो बेंजीन रिंग का। अगर हमने इसके नंबरिंग किए तो यदि इसके, ये देखो 2 और 2' पे, 6 और 6' पे, अगर आउट ऑफ 4, 3 पर अगर बल्की ग्रुप अटैच है, ध्यान से सुनना, कब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, आउट ऑफ 4 पोजीशन यानी 2, 2', 6, 6', अगर 3, इफ 3 पोजीशन ही ऑक्यूपाइड बाई बल्की ग्रुप, अगर 3 पोजीशन ऑक्यूपाई होगा किसके थ्रू, बल्की ग्रुप के कारण, यदि इस पर कोई बल्की ग्रुप अटैच होगा तो
तो इसका जो प्लेनर सिमेट्री होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा, ये सिंपल फॉर्म में था, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था, तो ये एक दूसरे की एंगल पे, यानी इसके एक रोटेट क्या रोटेट कर रहे थे, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे थे, यानी कि इस तरह से इनमें रोटेशन हो रहा था। ये दो फिनाइल सिस्टम है, ये रिंग है और ये डबल बॉन्ड के क्रॉस ये ऐसे रोटेट कर रहे थे, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, सॉरी सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, दोनों एक सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, ये रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट कर रहे हैं तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चाहे इस प्लेन से काटो चाहे इधर से काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, बट अगर इसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है, यानी बाइफिनाइल सिस्टम की ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन चेक करना है, तो हम क्या करते हैं कि इस 2 या 2 प्राइम पोजीशन पे या 6 और 6 प्राइम पोजीशन पे आउट ऑफ 4 ग्रुप अगर 3 बल्की सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका जो रोटेशन हो रहा था उस बल्की के कारण ये एक दूसरे के हिंडर्ड हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रोटेशन को ब्लॉक करेंगे ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप। यानी अगर इस पर कोई बल्की ग्रुप अटैच कर दें तो यहां पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, यानी अब इसका रोटेशन ब्लॉक हो जाएगा, और जब रोटेशन ब्लॉक हो जाएगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जैसे वहां पे एलिन सिस्टम में देखे थे। तो एलिन सिस्टम में देखे थे तो क्या था बेटा, उसमें एक दूसरे के ऐसे थे 2 डबल बॉन्ड और ऐसे अगर लगा देते थे तो ये पोजीशन में आ जाते थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सेम सिचुएशन यहां भी है, ये बुक मान लो ऐसे है और ये दूसरा रिंग ये है, ठीक है, ये दिख रहा है। अब क्या है, ये ऐसे तुमको दिख रहा है फ्लैट में, लेकिन जैसे ही इस पर ग्रुप अटैच कर देंगे इसके पोजीशन पे और इसके, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये वाला ग्रुप इधर है तो दूसरा वाला जो ग्रुप होगा रिंग का वो इधर आ जाएगा, इनमें रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इनमें कोई सिमेट्री एलिमेंट काम नहीं करेगा, और जब सिमेट्री एलिमेंट काम नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल एज ए एसिमेट्रिकल, होल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ठीक है बेटा, तो यहां पे लिख सकते हो, एक मिनट, तो यहां पे लिखोगे क्या, आउट ऑफ व्हेन एटलीस्ट 3 ऑफ एटलीस्ट 3 ऑफ 2 2 प्राइम एंड 6 6 प्राइम, एटलीस्ट 3 ऑफ 2 2 प्राइम एंड 6 3 प्राइम पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाई बल्की सब्स्टिट्यूएंट, बल्की ग्रुप, ठीक है, देन फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड टू About single bond connected to 2 phenyl ring restricted
रिस्ट्रिक्टेड एंड नाउ मॉलिक्यूल हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड होल मॉलिक्यूल एंड होल मॉलिक्यूल एंड होल मॉलिक्यूल बिहेव एंड होल मॉलिक्यूल बींग बिहेव एसिमेट्रिकल अब कह रहा है क्या कि अगर व्हेन एटलीस्ट थ्री ऑफ टू टू एंड सिक्स सिक्स प्राइम पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाय बल्की ग्रुप देन फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड टू टू फिनाइल रिंग रिस्ट्रिक्टेड एंड नाउ मॉलिक्यूल हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड होल मॉलिक्यूल बीइंग बिहेव एसिमेट्रिकल अब होल मॉलिक्यूल क्या होगा एसिमेट्रिकल हो जाएगा यानी कहने का मतलब कि अगर यहां पे इस पोजीशन पे ठीक है इसके इस पोजीशन पे अगर ग्रुप लगा दिए ए एक दूसरा ग्रुप लगा दिए बी ठीक है यहां पे लगा दिए कोई ए उसी तरह यहां पे कोई लगा दिए कोई एक्स वाई जो भी उस कंडीशन में अब देखो इस मॉलिक्यूल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस हाफ में बट इसमें नहीं है तो होल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा होल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल और होल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होगा यानी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगेगा यानी बाइफिनाइल सिस्टम के इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो दिस इज ऑर्थो पोजिशन एंड दिस इज ऑर्थो पोजिशन इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो ये आर्थो और ऑर्थो पोजिशन ठीक है ये वन टू पोजिशन यानी वन टू थ्री हमने किसके रिस्पेक्ट में दिया आईयूपीएसी नेमिंग के थ्रू यदि इसके रिस्पेक्ट में इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये आर्थो मेटा पैरा उसी तरह ये आर्थो मेटा पैरा ठीक है बेटा यानी कि अगर बात करोगे अगर इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं था अगर इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं था तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द दिस मॉलिक्यूल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन से बाइसेक्ट किया जा सकता है उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव बट यदि इसी कंपाउंड में इसके 1, 2, 2 या 6, 6 पोजिशन पे इन फोर में से किसी भी थर्ड पोजिशन पे यानी थ्री पोजिशन पे कोई बल्की ग्रुप अटैच कर देंगे तो क्या होगा ये मान लो ये मॉलिक्यूल है ये तो सिमेट्रिकल है ए ग्रुप है सिमिलर ग्रुप है सिमेट्रिकल है बट होल मॉलिक्यूल की बात करोगे अगर इसको ब्रेक करोगे कट करोगे तो ये क्या होगा इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा ये ऑप्शंस ए सिमेट्रिकल हो गया इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा इस कंडीशन में ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ठीक है अब लिखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे लिखो यहां पे द काउज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन is presence of hysterically hindered group
हिंडर्ड ग्रोव एक्ट ऑर्थो। अब देखो बेटा ये वन टू पोजीशन था, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, ठीक है। इसको अगर हम लिखते हैं तो दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन, इस रिंग के रिस्पेक्ट में, इस रिंग पे। अब इस रिंग के रिस्पेक्ट में इस पर अगर बात करोगे तो दिस इज ऑर्थो डैश, ठीक है, मेटा डैश एंड दिस इज पैरा डैश। यानी इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, इस पर देखोगे इस रिंग के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा डैश, ठीक है। तो कह रहा है द काज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज प्रेजेंस ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन एट ऑर्थो एंड ऑर्थो पोजिशन not at meta and para dash position। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, restricted rotation only इस ऑर्थो ग्रुप पे प्रेजेंस होने के कारण, यानी कि बाइफिनल सिस्टम के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये आर्थो आर्थो डैश, ये भी आर्थो और आर्थो डैश होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट वन टू पोजीशन वन सिक्स इक्वल होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि आर्थो और आर्थो पोजीशन पे होगा तभी ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा बेटा। यदि ग्रुप यहां पे है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ध्यान देना, ये ग्रुप अगर यहां पे है और यहां पे होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं चेक करेंगे, केवल हम आर्थो एंड आर्थो पोजीशन पे चेक करेंगे, यानी इसके रिस्पेक्ट में 1 2 2 2 प्राइम 6 6 प्राइम या आर्थो आर्थो डैश, नॉट एट मेटा एंड मेटा डैश, नॉट एट पैरा एंड पैरा डैश। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ओनली अकर्स व्हेन द बल्की सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड ऑर्थो डैश पोजीशन, नॉट एट मेटा एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहां से लिखोगे दिस टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियोआइसोमेरिज्म एराइजिंग ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्टीरियो एराइजिंग ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एट्रोप आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर आर कॉल्ड And isomer are called एट्रोप आइसोमर, ठीक है। इस तरह के जो आइसोमेरिज्म एराइज होता है इसको बोलते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एट्रोप आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म एराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एट्रोप आइसोमेरिज्म, और उस आइसोमर को बोलेंगे एट्रोप आइसोमर, ठीक है बेटा। यानी कि यहां पे अगर बात करोगे तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव था, इसके ऑर्थो एंड ऑर्थो डैश पोजीशन पे बल्की ग्रुप लगा दिए
तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूल बिहेव एज ए एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यानी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो गया, क्योंकि उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो था वो क्या था बेटा, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के पास क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री था। और जब आर्थो एंड आर्थो पोजिशन पे लगा दोगे तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक हाफ मॉलिक्यूल तो सिमेट्री हो सकता है बट होल मॉलिक्यूल सिमेट्री नहीं होगा, वो होल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो होल मॉलिक्यूल जब एसिमेट्रिकल होगा तो वहां पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, यानी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है द काज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन इज प्रेजेंस ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप एट आर्थो एंड आर्थो पोजिशन, नॉट एट मेटा एंड मेटाडेस एंड पैरा एंड पैराडेस पोजिशन। फिर कह रहा है दिस टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एट्रोप आइसोमेरिज्म। इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के कारण अगर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जेनरेट हो रहा है उसी को बोलते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म, और इस आइसोमर को बोलेंगे क्या, एट्रोप आइसोमर। सॉरी बेटा। ठीक है, तो ये है। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बेटा, यहां पे देखो इसको ऐसे भी लिखा रहेगा, बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, सर्कल बनाते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, तो ये है तुम्हारा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस प्लेन से कट करोगे इक्वल हाफ में बटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर यहां पे बात करोगे तो ये मॉलिक्यूल के पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो यहां से इसको इक्वल भाग में काटो और इसको भी इक्वल भाग में काटोगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा, ये और ये, तो मॉलिक्यूल क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी एलिमेंट आ गया सिमेट्री का तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में देखो, इसमें देखो क्या इसमें है सिमेट्री, एज ए होल मॉलिक्यूल तो तुमको लग रहा हो कि आधा इसको कट करेंगे, हाफ पार्ट तो ये डिवाइड हो सकता है, बट एज ए होल मॉलिक्यूल नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। और क्या है, आर्थो एंड आर्थो पोजीशन पे फोर पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी फोर पोजीशन है आर्थो और आर्थो डैश, आर्थो एंड आर्थो डैश, इसमें थ्री जो पोजीशन है वो बल्की ग्रुप से
अटैच है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, और जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक्चुअल में ये जो रिंग ऐसे दिख रहा है दोनों, एक्चुअल में ये रिंग ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे है बेटा। यानी अगर हम बात करें इसको रिप्रेजेंट करने की, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप होगा या NO2 का, वो एक एबव होगा और एक बिलो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो रिंग का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो रिंग ऐसे है, एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, और एक्चुअल में ऐसे होने के कारण ये एक दूसरे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। यानी परपेंडिकुलर होने के कारण इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इधर से अगर देखोगे, इधर से अगर देखोगे तो इधर से तुम काटोगे, अगर ये ऐसे है, सपोज करो ये ऐसे है और ये ऐसे है, इस कंडीशन में है, तुम अगर इस कंडीशन में है ऐसे, देखो यहां पे ये इस कंडीशन में है, ठीक है, यानी एक्चुअल में ये है, ये पोजीशन, ये वाला, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो है। अगर तुम इसको ऐसे काटोगे तो सारे लाइन इसमें नहीं मिलेंगे, यानी इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये अपने एक्सिस पे यहां पे देखो, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट यहां पे नो सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, नो सिमेट्री एलिमेंट, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यानी इसी को बोलेंगे क्या, एट्रोपाइसोमर, एट्रोपाइसोमर अराउंड, मतलब कहां पे होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड के क्रॉस जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, उसी को बोलते हैं क्या, एट्रोपाइसोमेरिज्म, ठीक है। ये था तुम्हारा, नेक्स्ट अगर बात करें यहां पे, ठीक, ये ग्रुप NO2, ये भी देखो यहां पर भी क्या है, तीनों बल्कि ग्रुप है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, कोई भी सिमेट्री, अगर इस प्लेन से काटो, इधर से काटो, या सेंटर से काटो, ऐसे काटो, एक्सिस से तो है होगा ही नहीं, ठीक है, तो नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी क्या हो जाएगा, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना तो प्लेन है, ना सेंटर है, ना एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर मान लो इसी तरह यहां पे है, CH3 NH2, तो ये तुमको देख के लग रहा होगा क्या, कि अगर हम बीच से इसको इक्वल भाव में काटते हैं तो ऊपर नीचे सब बराबर आएगा, बट एक्चुअल में बेटा ये रिंग क्या है, ये रिंग परपेंडिकुलर है, तो इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हाफ काटोगे तो दूसरा हाफ कटेगा ही नहीं, एक प्लेन में नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, और क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। तुमको ऐसे देख के लग रहा होगा कि हम इधर से काटेंगे इक्वल हाफ में दोनों ऊपर नीचे बराबर आ जाएंगे, बट ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यदि इसको हाफ काटते हो तो दूसरा वाला ऐसे रोटेट किया हुआ है, वो उसके क्या हो जाएगा, वो उसके जस्ट पैरेलल आएगा, ठीक है। यानी मान लो इसको तुम ऐसे लिखते हो, ये ऐसे रोटेटेड है, ठीक है, ये जो रिंग है, एक रिंग तुम्हारा ऐसे पड़ा हुआ है, दूसरा ऐसे है, तुम इसके सेंटर से काटना चाह रहे हो,
तो एक तो कटेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इधर से कटेगा, यानी हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और इसके मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अटैच है उससे हमको नहीं मतलब है, पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है उससे हमको नहीं मतलब है, क्या मतलब है, आर्थो एंड आर्थो डैश पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर बात करोगे तो यदि मान लो ये बाइफिनाइल सिस्टम है, ये है, और इसके मेटा पोजीशन पे ऐसे ग्रुप अटैच, तो इससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बेटा, ध्यान देना। पैरा पोजीशन पे ग्रुप अटैच है, कोई मतलब नहीं है, हमको इसका रोटेशन को हिंडर्ड करना है, इसके रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है, और किससे होगा, जब इसके आर्थो पोजीशन पे ग्रुप अटैच होगा तभी होगा बेटा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर ये है, ये देखो, अगर इसको देखो तो देखने से तुमको क्या लग रहा है कि मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसको देखने से लग रहा है कि मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट एक्चुअली इट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा क्यों है, इसको देखो तो मॉलिक्यूल को इधर से भी काट सकते हो, इधर से भी प्लेन से काट सकते हो, वर्टिकल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, यहां पे SO3H है, H है, SO3H है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बट होना चाहिए था तुमको देखने से लग रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट ऐसा नहीं है बेटा, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ये थोड़ा आपको क्या है, ये आपकी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप क्या इनएक्टिव मार के आओगे। ऐसा क्यों है, इसलिए है कि सल्फोनिक एसिड इज ग्रुप इज सफिशियंटली लार्ज विच रिस्ट्रिक्ट टू हाइड्रोजन एटम। सल्फोनिक एसिड ग्रुप इतना बल्की ग्रुप है कि उस हाइड्रोजन एटम के साथ भी इसका क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, और वही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से मॉलिक्यूल क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, सल्फोनिक SO3H ग्रुप इज टू मच लार्ज विच कॉजेज causes steric hindrance with hydrogen atom। यानी इतना लार्ज ग्रुप है कि इसका हाइड्रोजन इस एटम के साथ भी स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ये ध्यान देना। जनरली जो ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं शो करते हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज स्मॉल इन साइज, बट सल्फोनिक एसिड ग्रुप इतना बल्की ग्रुप होता है कि ये हाइड्रोजन एटम के साथ भी क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। तो ये था क्या, बाइफिनल सिस्टम में हम देखते हैं क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी हमको ध्यान क्या रखना है कि बाइफिनल सिस्टम के आर्थो एंड आर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप अटैच हो, और उस बल्की ग्रुप अटैच होने के बाद मॉलिक्यूल के पास क्या हो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्या, बाइफिनाइल के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या,
स्पेसिफिक रोटेशन, नेक्स्ट है स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है बेटा, और इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। तो ये देखो स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पोलारीमीटर, ठीक है। पोलारीमीटर इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी केमिकली ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज पोलारीमीटर, ठीक है। पोलारीमीटर का यूज करते हैं और उससे हम स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है यानी जिसके पास कायरल सेंटर है हम उसको मेजर करते हैं। तो लिख सकते हो क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कायरल केमिकल कंपाउंड, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कायरल केमिकल कंपाउंड, कायरल केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कायरल केमिकल कंपाउंड it is defined as amount of rotation amount of rotation observed when light is passed through, ठीक है, when light is passed through one decimeter or 10 centimeter aqueous solution, 10 centimeter aqueous solution having concentration इन ग्राम पर ml, ठीक है, इन ग्राम पर ml at given wavelength of light and temperature। कहने का मतलब क्या है कि देखो बेटा, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझो यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको मेजर किससे करते हैं, पोलारीमीटर, यानी इंस्ट्रूमेंट अगर बात करोगे, इंस्ट्रूमेंट यूज क्यों किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे, मैं इंस्ट्रूमेंट लिख दे रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट जो है यूज किया जाता है पोलारीमीटर, ठीक है बेटा, पोलारीमीटर। तो इसको हम समझते हैं कॉन्सेप्ट कह रहा क्या रहा है, ये तो लैंग्वेज है जो कि आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस पोलारीमीटर में बेटा ध्यान दो, इस पोलारीमीटर में क्या रहता है,
इस पोलारीमीटर में हर इंस्ट्रूमेंट में तुमको क्या प्लेन पोलराइज लाइट का सोर्स होगा, ठीक है, यानी नॉर्मल लाइट जाएगा, निकोल प्रिज्म से पास करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट होगा। तो करते क्या है कि इस पोलारीमीटर में एक ट्यूब होता है इस टाइप का, ठीक है, इस ट्यूब का जो लेंथ होगा वो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर या डेसीमीटर में है, सेंटीमीटर या डेसीमीटर में होगा, डेसीमीटर में होगा, ठीक है, डेसीमीटर में होगा। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिल कर देते हैं, कायरल कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे नहीं पता कि वो कायरल है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर जो है, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर, और इसी को क्या 1 डेसीमीटर भी बोल सकते हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, ग्राम पर एमएल में है। तो ये सब पोलारीमीटर के अंदर है। करते क्या है कि पोलारीमीटर के ट्यूब बाहर निकालते हैं, उसका ये लेंथ फिक्स है 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर जो है उसका लेंथ फिक्स है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमको ऑप्टिकल रोटेशन, यानी ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा एब्जॉर्ब करना है, उसको क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे ग्राम पर एमएल में, यानी ऑब्वियस उसका डेंसिटी हो गया ग्राम पर एमएल, यानी कि डेंसिटी, यानी उसका सोल्यूशन बनाएंगे ग्राम पर एमएल में और इसमें फिट कर देंगे इस ट्यूब में। सपोज करो क्या है, दिस इज अ ट्यूब, वैकेंट है, ट्यूब है वैकेंट है, ठीक है, सपोज मान लो ये है मेरे पास, एक मिनट, ये है, इसको हम थोड़ा फोल्ड करते हैं, ये है बेटा। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर का ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिल कर दिया, इसका लेंथ फिक्स है, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करना है इस ट्यूब में फिट कर दिए। अब इस ट्यूब में रख दिए, ट्यूब में रखने के बाद क्या करेंगे, पोलारीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इस ट्यूब को डाल देंगे, यानी उस पोलारीमीटर में ये फिट रहता है, इसको बाहर निकालते हैं, ग्राम पर एमएल में सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें फिट कर देते हैं। फिट करके लाइट ऑन करेंगे, तो जैसे ही लाइट ऑन करेंगे तो यदि मॉलिक्यूल के पास कायरल कम सेंटर होगा या इनेंसियोमेरिक सेंटर होगा तो क्या करेगा, इस जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो कितना एंगल रोटेट करेगा वो हमको उसमें ऑब्जर्व होगा, और बाहर मीटर लगा रहता है उसमें हमको दिखता है कि कितना एंगल रोटेट किया। तो जितना एंगल रोटेट करेगा उसी को हम बोल देंगे क्या, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो यही होता है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी सब कुछ पैरामीटर फिट है, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए सोर्स है, निकोल प्रिज्म लगा हुआ है, ऑर्डिनरी लाइट से पास करेगा, सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिट है, यानी उसको इंस्ट्रूमेंटेड किया गया है। बस हमको करना क्या होता है, उस पोलारीमीटर के ट्यूब से ट्यूब निकालते हैं जो कि इसका लेंथ फिक्स है, ठीक है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो डेसीमीटर में ही होगा, यानी जो उसका लेंथ होगा वही तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन, यानी वही हमारा सोल्यूशन का लेंथ होगा, ठीक है, यानी उसको फिट कर देते हैं। सोल्यूशन जिसका हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करना है, स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करना है, ग्राम पर एमएल में सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें फिट करेंगे, लाइट को ऑन करेंगे तो रोटेशन एब्जॉर्ब होगा, और जो रोटेशन एब्जॉर्ब होगा थीटा एंगल, वही उसका क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन की बात करोगे बेटा तो यहां पे देखो इसका फॉर्मूला जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इसको ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन, ये जो होता है यहां पर टेम्परेचर मेंशन होगा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहां पे वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ कितने वेवलेंथ का लाइट तुमने उस पोलारीमीटर में यूज किया है वो मेंशन करना पड़ता है,
तो वेवलेंथ को किस लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये लेमडा से डिनोट करते हैं, और ये कैसे लिखा होगा, अल्फा ऑब्जर्व, यानी कि जो रोटेशन हमको मिला, अल्फा ऑब्जर्व, अल्फा ऑब्जर्व जो हमको मिला रोटेशन, इंटू नीचे लिखोगे एल इंटू सी। एल क्या है बेटा, एल इज द लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, सी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर ml। तो दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन, ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा ऑब्जर्व, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन, ठीक है। L क्या है, L इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं, L इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी लेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिखता है, यानी ट्यूब का ही, जितना ट्यूब का लेंथ हो वही सॉल्यूशन का होगा, तो लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर डीएम, और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मान लो लिख रहा है क्या, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है, अगर मान लो लिख रहा है कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज, ये उतार लो बेटा, जैसे मान लो लिख रहा है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड इज प्लस 65.5 डिग्री, ठीक है, एट यूजिंग सोडियम डी लाइन सोर्स, सोडियम डी लाइन सोर्स एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सोडियम डी लाइन सोर्स यानी कि जो लाइट का सोर्स किया लिया गया है वो सोडियम मेटल का डी लाइन सोर्स लिया गया है, यानी इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है बेटा 589.3 नैनोमीटर, ठीक है, ये होता है। अब देखो अगर इसका स्पेसिफिक रोटेशन की बात करोगे, यानी इसको अगर इंडिकेट करना है तो ये हो जाएगा 220 डिग्री, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा 589.3 नैनोमीटर, और ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन 65.5 डिग्री, यानी प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है क्या, क्लॉकवाइज, नथिंग एल्स। यानी अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या, ऐसे लिखेंगे, यानी प्लस साइन लिख सकते हो, प्लस पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल होगा, यानी पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी मॉलिक्यूल क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डी फॉर्म में, ठीक है। तो ये है क्या स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे हम लिखते हैं,
अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।